एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप यहाँ पे आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं, पावर्स का क्वेश्चन है ये। हल कीजिए, तो इस तरह के एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन दे दें तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो, अगर हम लोग पावर इसका खोलने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना इसको सॉल्व करने में। इतनी बार मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करो, तो इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए क्या दे रखा है। 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10, 2 की 10 और इसी तरह 2 की 10 पावर है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए बेस सबका सेम है। तो क्या करोगे आप लोग, बेस एक लिख लोगे, ठीक है, और पावर भी लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि पावर और बेस दोनों का सेम है। इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह आप लोग सॉल्व करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब ये 2 की पावर 10 इन सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसे हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इसका एक, फिर दूसरे वाले का भी एक, फिर इसका भी एक, और प्लस में इसका एक, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 की पावर 10 ऐसे कैसे रहेगा, और ये ब्रैकेट का मतलब गुणा मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4, तो कितना हो गया ये 4। अब क्या करेंगे आप लोग, हम लोग इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 10 गुना, हम लोग इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये बेस दोनों का सेम हो गया। तो बेस जब सेम हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, पावर जोड़ देंगे। कैसे होता है ये, 2 और 10 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 12। ये कैसे पावर जुड़ते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपकी, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n, दोनों का बेस सेम है, तो a और m प्लस n, ये पावर जुड़ जाती है। ये आइडेंटिटी है, आप लोग याद रखिएगा और उसी से ये बनेगा आपका। तो क्या आ गया, 2 की पावर 12, ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।